हेलो एवरीवन, मैं आशा सक्सेना। आज हम बेबी बॉब हेयर कटिंग आपके सामने लेकर आए हैं, और वो देखिए किस प्रकार हम करते हैं। कि सबसे पहले हमने वाटर स्प्रे किया, और वाटर स्प्रे करने के बाद में हम हेयर्स को सुलझाने का काम करेंगे। इनके जो हेयर्स हैं छोटे बड़े बहुत हैं, आपको देखने की चीज़ है कि ये बेबी बॉब हेयर कटिंग बच्चों के इतने हिलने के बाद में किस तरह से कंप्लीट की है वो सीखने वाली चीज़ है। सब चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ती है कि कहीं सीजर गलत जगह ना लग जाए, तो ये सब हमको कंट्रोल करते हुए हेयर कटिंग करनी पड़ती है। हेयर्स को सुलझाने के बाद में हमने सेंटर पार्टनिंग की, और सेंटर पार्टनिंग करने के बाद में सेंटर पार्टनिंग के दोनों साइड से वी शेप में हमने थोड़े थोड़े हेयर्स को लिया। ये देखिए थोड़े थोड़े हेयर्स को लेने से फ्रंट पोर्शन के हेयर्स की हमारी गाइडलाइन बन गई। ये देखिए, और गाइडलाइन कट होने के बाद में हमने फिर से सेंटर पार्टिंग की, और ये गाइडलाइन हमारे फिर से दो भागों में डिवाइड हो गई। तो अब हमारा जो हेयर कटिंग का काम होगा इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा। तो आगे के हेयर्स बिल्कुल फेस के परफेक्टली इक्वल होंगे, छोटे बड़े नहीं दिखाई देंगे, इसलिए हमने ये शेप लिया है, जिससे कि बच्चों के हेयर्स इधर उधर होते रहते हैं तो गंदे ना लगें, भद्दे ना लगें, जिससे कि छोटे बड़े हेयर्स दिखाई दें। तो ये हमारी गाइडलाइन हो गए, और इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हम इन हेयर्स में कट करते हुए एक मैप तैयार करेंगे। देखिए करीब 4 इंच के करीब इन हेयर्स को हमने कट करना शुरू किया है। बैक पोर्शन में आपको दिखाई देंगे अभी कि ये हमने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट किया, और देखिए ये पीछे से इतने छोटे बड़े हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। 4 इंच के करीब हैं ये हेयर्स, और हम इतना शॉर्ट इन हेयर्स को करेंगे। बच्चों की कटिंग सीजनल भी होती है, सीजन के हिसाब से होती है, क्योंकि बच्चों को रिलीफ मिलता है शॉर्ट हेयर्स में, तो वो भी हमको ध्यान रखते हुए कट करना है। तो हम इनके हेयर्स बेबी बॉब हेयर कट ही अच्छा लगेगा वो दिखाएंगे आपको। इस तरह से बैक पोर्शंस के हम राउंड शेप में कट कर रहे हैं, और देखिए ये शेप पीछे से वही 4 इंच के करीब के लगभग है, और जो छोटे हेयर्स हमको दिखाई दे रहे हैं उसको साथ के साथ हम नीट भी करते जा रहे हैं। अब ये देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 4 इंच के करीब हमने हेयर कट किया है, और फ्रंट पोर्शन में जो हमने गाइडलाइन छोड़ी है उससे टच करते हुए हम शेप लेकर जाएंगे। बच्चों की हेयर कटिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके हिलने से होती है। बच्चे सीधे नहीं बैठ सकते हैं, बराबर हिलते रहते हैं, तो हमको बहुत सावधानी से हेयर कट करना चाहिए, जिससे कि सीजर कहीं बच्चों के लग ना जाए। विशेष तौर से ईयर्स का डर रहता है। ये देखिए हमने जो गाइडलाइन छोड़ी है उससे टच करते हुए शेप लेने जा रहे हैं। बैक पोर्शन के हेयर्स का हमारा कट हो गया, और अब फ्रंट पोर्शन
की जो गाइडलाइन हमने छोड़ी है उससे टच करते हुए हम कर देंगे। ये देखिए कि अब शेप नज़र आने लगा और ये मैप जो दिखाई दे रहा है अपने आप में एक हेयर कट का अंदाज आपके सामने महसूस हो रहा होगा कि अब हमको क्या करना है इन हेयर्स में। शेप लेने के बाद में हम सारे हेयर्स में स्टेप्स डालेंगे जिससे कि एक स्मार्ट लुक लिए हुए हेयर कट हमारे सामने दिखाई देगा। दोस्तों, हमने काफ़ी हेयर कटिंग के वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं और विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो हमको ज़रूर भेजिए। आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, सजेशंस के अकॉर्डिंग हम आगे वाले वीडियोस को बनाकर आपके सामने पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपके सजेशंस बहुत ज़रूरी हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिएगा। आपके साथ जो हमारा गाइडर के रूप में आप हैं, गाइडेंस आपकी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आपके सजेशंस हमारे लिए हमारी गाइडलाइन के रूप में आप रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे का काम करने की कोशिश करेंगे। हेयर कटिंग के अलावा और भी फेशियल के हैं, मैनीक्योर पेडीक्योर के हैं, हिना के हैं, कलर के हैं, वैक्सिंग के हैं, अंडर आर्म्स के हैं, और भी हेयर ऑयलिंग के हैं। तो काफ़ी सारे हमारे वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं। फेसबुक पर भी फेसबुक पेज हमने बनाया हुआ है और यूट्यूब पर तो है ही। तो विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आते होंगे, इसीलिए आपके सजेशंस का हम वेट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये देखिए, हमने सारा राउंड शेप में जो हेयर कट किया है मैप अपने सामने लेकर आए हैं, उसके बाद में हम फिनिशिंग दे रहे हैं। बच्चे हिलते हैं इसलिए सारे हेयर्स को फिर से चेक कर लेना चाहिए कि कहीं छोटे बड़े हेयर्स तो नहीं है, और एक बार ज़रूर चेक करते हुए हम फिनिशिंग दे रहे हैं। और उसके बाद में फिर हम स्टेप्स का काम शुरू करेंगे। हम इस तरह से एक्सप्लेन इसलिए करते हैं, वैसे भी हम वीडियो आपको दिखा सकते हैं बिना एक्सप्लेन किए हुए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अच्छे से कटिंग को सीखें। और दोस्तों, ये जो स्टेप्स वाली कटिंग है, बच्चों के बॉय कटिंग और बॉब कट, बेबी कट, ये बहुत आवश्यक कटिंग है। एक तरह से सारी कटिंग्स में रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं, क्योंकि अगर इस कटिंग में हमने स्टेप्स अच्छे से डाल दिए तो फिर हमारी कटिंग कहीं भी मात नहीं खाएगी। हम बहुत अच्छे से हेयर कट अपना पेश कर सकते हैं। किसी भी रूप में आप करने में ज़रा भी नहीं झिझकेंगे, इसलिए इस कटिंग को आप बार बार देखिए जिससे कि आपका हाथ साफ हो। और भी हम छोटे बेबीज़ के ये बॉय कट भी आपको बताएंगे, जो शॉर्ट में काफ़ी किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आते हैं
कि बेबी बॉय कट किस तरह से करना है, शॉर्ट एकदम। ये देखिए फिनिशिंग का काम अभी चल रहा है, क्योंकि बच्चे हिलते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इस तरह से आगे का जो हम शेप दे रहे हैं, फिनिशिंग दे रहे हैं, तो इसमें हमको ये ईयर के पास में जो हेयर्स होते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो शेप हमको बहुत नीटली देना चाहिए, सफाई के साथ में, जिससे कि वो, कई बार क्या होता है कि कलम जिसको बोलते हैं वो हेयर्स ठीक से नहीं हो पाते हैं तो कटिंग का अपना अंदाज बिल्कुल ख़राब लगने लगता है। ये देखिए इस तरह से हमने शेप लिया और अब स्टेप्स डालने का हम काम कर रहे हैं। थोड़े थोड़े हेयर्स को हम लेंगे फिंगर की ग्रिपिंग के साथ में, राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये थोड़े से हेयर्स को उठाया और हमने गाइडलाइन के साथ में कट किया। आप अच्छे से ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। हमने ग्रिपिंग के साथ में हेयर्स को लिया और गाइडलाइन हमारी लास्ट तक रहेगी, जिसके अकॉर्डिंग हम हेयर कट देंगे। ये देखिए करीब हम 1.5 इंच के, 2 इंच के करीब हेयर्स को ले रहे हैं और फिर स्टेप्स के लिए कट कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए आप, इस तरह से हमने कॉम किया, फिंगर की ग्रिपिंग में हेयर्स को लिया और गाइडलाइन हमारे साथ है और उसका कट किया। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस की होती हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे बॉय कट का, बेबी बॉब कट का, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि अच्छे से आप कर पाएंगे कि किस तरह से हमको ये स्टेप्स लेने हैं। अब राइट हैंड साइड के ये स्टेप्स हमारे कंप्लीट हुए। अब बैक साइड के हम स्टेप्स को लेंगे। ये देखिए हमने हेयर्स को कॉम किया और हेयर्स को ग्रिपिंग के साथ पे अपनी फिंगर में ग्रिपिंग के साथ में लिया और हेयर कट किया। एक बार फिर से देखिए, कॉम किया, फिंगर ग्रिपिंग के साथ में हेयर्स को लेकर कट किया। बस यही एक मुश्किल काम है, लेकिन आने के बाद में सबसे इजी काम, हमको सबसे अच्छी हेयर कट, हमको बॉय कट करना अच्छा लगता है क्योंकि हमको कोई मुश्किल नहीं होती है। आने के बाद में हर काम इजी लगता है। ये देखिए करीब 2 इंच के करीब हेयर्स को हम कट कर रहे हैं हर स्टेप्स के लिए। ये देखिए हमने कॉम किया, फिंगर ग्रिपिंग की और कट कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये सावधानी शुरुआत में बरतनी पड़ती है कि कई बार हम जब फिंगर ग्रिपिंग में हेयर्स को लेते हैं और हेयर कट के साथ में अगर बहुत इक्वल नहीं होते हैं, हमने बहुत कहीं छोटे ले लिए हेयर्स को और कहीं बड़े हेयर्स को ले लिया, तो वो एक गड्ढे का रूप हो जाता है स्टेप्स में, वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और हमारी हेयर कटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ठीक से नहीं होती है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हमको स्टेप्स लेने हैं। अगर हमने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं किया तो कहीं तो ज़्यादा गड्ढा दिखाई देगा, गड्ढे के रूप में वो दिखाई देता है, और कहीं लंबे हेयर्स दिखाई देते हैं। स्टेप्स का मतलब ये है कि नेचुरल वे में सारे हेयर्स हमको इक्वल दिखाई दें। इसको बारीक कटिंग भी अपन बोल सकते हैं। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। देखिए आप, बैक पोर्शन का स्टेप्स कंप्लीट हुआ और फिनिशिंग साथ के साथ हम दे रहे हैं।
और लेफ्ट हैंड साइड का अब हम स्टेप्स लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के हेयर्स को भी जो हमारी गाइडलाइन है उसका ध्यान रखेंगे। ये देखिए फिनिशिंग भी हमको साथ के साथ देनी है और इस तरह से अब हमारा हेयर कट करीब करीब कंप्लीट होने जा रहा है। ये देखिए कितना मतलब फेस एकदम चेंज हो गया। सबसे बड़ी बात ये है, आई थी ये बच्ची तब किस तरह के हेयर्स थे और अब देखिए आप आगे का हम थोड़ा स्टाइलिश शेप देना चाह रहे हैं जिससे आंखों में बाल भी नहीं आए और फिनिशिंग ज़रूर हमको देनी होगी क्योंकि बच्चे जब इतना हिलते हैं तो कहीं ना कहीं हेयर्स की वो गलती रह जाती है, छोटे बड़े रह जाते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों हमको लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये बेबी बॉब हेयर कट। और फिनिशिंग देखिए, फेस का लुक हमको अगर चेंज करना है तो ये कोई वो नहीं है कि इसी हिसाब से हमको करना होता है, फेस के अकॉर्डिंग हम कोई भी शेप हेयर्स का ले सकते हैं। हमने इनका आगे का जो शेप लिया है हेयर्स का वो हल्का सा हेयर्स को ट्विस्ट करके हमने कट किया है जिससे कि और भी कटिंग में जान आ गई है। ये हमने हेयर कटिंग इनके सेंटर पार्टिंग में की है और साइड पार्टिंग अब हम करके फिनिशिंग देंगे। ये देखिए ईयर्स के पास के जो हेयर्स हैं उसको हम नीट करेंगे और ईयर्स के पास के जो हेयर्स का शेप हमको राइट हैंड साइड में जो दिया है वही शेप हम लेफ्ट हैंड साइड में भी देंगे। ये देखिए किस तरह से एकदम फेस का लुक चेंज हो गया। कपड़ों के साथ साथ हेयर कटिंग का भी अपना एक योगदान होता है फेस को लुक देने का, स्मार्टनेस लाने का। तो अगर हेयर कटिंग भी अच्छी है तो ड्रेस भी अच्छी लगती है, ड्रेस अच्छी है तो हेयर कटिंग भी अच्छी लगती है। वो सब चीज़ें अपना अपना होता है। लेकिन देखिए हेयर कटिंग के बाद में किस तरह से फेस का एकदम चेंज हो गया। साइड पार्टिंग हमने इनकी की है और अब फिनिशिंग के लिए हम बैक पोर्शन में कुछ हेयर्स छोटे छोटे होते हैं वो देखिए हम ट्रिमर द्वारा इन हेयर्स को नीट कर रहे हैं। ट्रिमर से नीट करने में स्किन हमको टाइट रखनी चाहिए। अगर स्किन टाइट नहीं होती है तो कट लगने का डर रहता है। देखिए ये बैक में जो बारीक हेयर्स हैं इनको नीट करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये जब दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, फिनिशिंग हेयर कटिंग में हमारी दिखाई नहीं देती है। और ये हमने अच्छे से सारे बैक के जो बारीक हेयर्स थे उनको क्लीन किया ट्रिमर द्वारा। बच्चे हिलते इतना हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना, ट्रिमर से थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। तो देखिए ये हमने किस तरह से एक हाथ से स्किन को स्ट्रेच किया हुआ है जिससे कि स्किन लूज ना रहे।
और पाउडर लगा कर ही हम ट्रिमर यूज़ करेंगे। ये देखिए अब परफेक्टली इनका हेयर कटिंग का काम कंप्लीट हुआ। विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर ज़रूर करिएगा, और हम आपके सजेशंस का बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे और वेट करेंगे। ये देखिए ये किस तरह का लुक आया है, हम कॉम करके बताते हैं आपको। ये इनके फ्रंट पोर्शन का है, देखिए आप बिल्कुल फेस चेंज हो गया। ये फ्रंट पोर्शन का लुक है और ये बैक पोर्शन का आप देखिए कितनी सफाई के साथ में हमने शो किया है। विश्वास है आपको ज़रूर पसंद